हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अंतिम समय में आप कोशिश कर रहे होंगे कि हर जो आपने पढ़ा हुआ है हर चीज़ को समेटा जाए और संक्षिप्त में उसकी तैयारी की जाए। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे से जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से। चलिए उत्तर देखते हुए चले जाएंगे। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है? ठीक है, 7%, 6% से 6.4%, 6% से 6.8% या इनमें से कोई नहीं? तो 6% से लेकर के 6.8% के बीच ये जो आर्थिक वृद्धि दर है ये अनुमानित करी गई है वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक समीक्षा में। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 1 फरवरी 2023, 28 फरवरी 2023, 31 जनवरी 2023 या इनमें से कोई नहीं? तो 31 जनवरी 2023। ध्यान रखना है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो 31 जनवरी 2023 और 1 फरवरी 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक। चलिए, हालांकि ये पहले से ही ऐसा नहीं है, इसके पहले बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता रहा है आर्थिक समीक्षा और बजट, लेकिन अभी एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? ठीक, 6.7, 6.4%, 7% या इनमें से एक से अधिक? तो 6.4% ये राजकोषीय घाटा का क्या लगाया गया है? अनुमान लगाया गया, फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किस क्रम की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो 5वीं, 6ठी, 3री या इनमें से एक से अधिक? तो 3rd है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है। PPP के या PPP के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13 अध्याय या इनमें से एक से अधिक? तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, कुल 12 चैप्टर्स में बांटा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? ठीक, अब देखते हैं कौन सी रणनीति अपनाई है। कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, प्रमुख कच्चा माल फेरोलिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है, इनमें से एक से अधिक? तो ये तीनों सही हैं अपने, ठीक है, ये क्या है, ये तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, इनमें से सही होगा, ऑप्शन डी इनमें से सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2022-23 से वर्ष 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 11,000, 14,000, 14,500 इनमें से एक से अधिक? तो 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा 2023 से लेकर 27 तक के बीच, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन वर्ष 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है, अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, देख लेते हैं। मतलब जो 40% है वो पहले ही प्राप्त कर लिया गया है वर्ष 2030 से, अब इसे कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? ठीक है, 45% कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है, 60% कर दिया गया है या इनमें से एक से अधिक है? तो ये कितना कर दिया गया? 50% कर दिया गया, ठीक है, कितना? 50% कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया, इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा करी गई थी? प्रश्न यह पूछ रहा है कि किस केंद्रीय बजट में यह घोषणा करी गई थी कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा, जो कि नवंबर 2022 में जारी किया गया। अब देख लेते हैं, 2021-22 के बजट में, 2022-23 के बजट में, 2020-21 के बजट में या इनमें से एक से अधिक? तो 2022-23 के बजट में
ये ऐसी ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा करी गई थी, जो कि नवंबर 2022 में लाया गया, जारी किया गया। चलिए आगे देखते हैं, दसवां क्वेश्चन हमारा है, प्रथम अग्रिम अनुमान 22-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया, मतलब कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन का किया गया है। ठीक, 311.7 मिलियन, 312.5 मिलियन, 315.7 मिलियन टन या 310.5 मिलियन टन। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, 315.7 मिलियन टन का कुल खाद्यान्न उत्पादन किया गया है अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 2021-22 की बात कर रहा है कि जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, जिसको कि प्राथमिक सेक्टर भी कहते हैं, तो उस क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत का ग्रोथ देखा गया। ठीक है, 5.5% का, 3.3% का, 3% का, या इनमें से एक से अधिक, तो कितने प्रतिशत का देखा गया, 3% का ग्रोथ देखा गया। आगे चलते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। अब इसमें हमको उसका रैंक देना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा है भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता, तो दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश है भारत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में रहते हैं, सबसे ज्यादा जैविक किसान यूएसए में, चाइना में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, तो सबसे ज्यादा कहां रहते हैं, अपने देश भारत में रहते हैं सबसे ज्यादा जैविक किसान। चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था, तो कितने बिलियन था, 560.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 572 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार था, कब तक, दिसंबर 2022 तक के लिए, कब तक, दिसंबर 2022 तक के लिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है, पांचवा, छठा, चौथा, सातवां, तो कौन सा है, छठा है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था, भंडार कितना था, 560.5 बिलियन डॉलर, 510.5 बिलियन डॉलर, 562.7 बिलियन डॉलर, या 572 बिलियन डॉलर। ठीक है, अमेरिकी बिलियन डॉलर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी सही है, 562.7 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है, किस नंबर का है, पांचवा, छठा, चौथा, सातवां, तो कौन सा है, ये छठा देश है, कौन सा है, छठे नंबर का देश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण, ठीक है, कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर था, 560.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 510.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 572 बिलियन डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर, तो ये इसका ऑप्शन बी सही है, 610.5 अमेरिकी बिलियन डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर ये क्या था, भारत पे विदेशी ऋण था, कब तक, सितंबर 2022 तक। ठीक, आगे चलते हैं, वित्त वर्ष 2000
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? 17.2 लाख गीगावाट, 12.2 वाट, 12.5 लाख गीगावाट, 13.8 लाख गीगावाट या 16.5 लाख गीगावाट। ठीक है, तो कितना हुआ? 17.2 लाख गीगावाट भारत में बिजली का उत्पादन हुआ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान। ठीक, आगे चलते हैं। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? ठीक है, अक्षय ऊर्जा का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 25.2%, 22.5%, 27.5% या 43.2%। तो ये क्या है? ये है 27.5% है। ये कितना है? 27.5% है। चलिए आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया? कितना किलोमीटर किया गया कब के दौरान? वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान। ठीक, 10,450 किलोमीटर, 10,457 किलोमीटर, 10,600 किलोमीटर या 10,800 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर है 10,457 किलोमीटर। ऑप्शन बी क्या है? सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना है? ठीक है, कितना है टेली घनत्व? आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 80.7%, 82%, 84.8% या 83.5%। कितना है? तो 84.8%, 84.8% जो क्या है भारत का, क्या है? टेली डेंसिटी है, भारत का टेली घनत्व है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? ठीक है, भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हुआ है? तो 65,070 किलोमीटर, 66,000 किलोमीटर, 68,031 किलोमीटर या 64,050 किलोमीटर। तो जो कुल भारतीय रेल मार्ग का विस्तार है वह है 68,031 किलोमीटर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, किस रैंक पे है? ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्या है? रेलवे नेटवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पे है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है। तो कौन सा सत्य है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? ठीक है, शीर्ष कौन सा है? मैक्सिको, सिंगापुर, भारत या अमेरिका? तो जो शीर्ष पे है वह है भारत, सबसे अधिक भारत में, भारत को रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले टॉप थ्री देश कौन कौन से हैं? ठीक है, टॉप थ्री देश कौन कौन से हैं? तो सिंगापुर यूएसए, मॉरिशस सिंगापुर यूएई, सिंगापुर मॉरिशस यूएसए, और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पहला है सिंगापुर यूएसए मॉरिशस, ये हमारे जहां से सबसे ज्यादा एफडीआई आया हुआ है भारत को, ये वो देश है। सबसे पहले स्थान पे सिंगापुर है, दूसरे स्थान पे यूएसए है और तीसरे स्थान पे मॉरिशस है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? ठीक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए हमारा सही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारा क्या आता है? एफडीआई आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगे है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया है आर्थिक समीक्षा के अनुसार? ठीक है, यहाँ पे 6.4 है, होगा 4% है। ये कितना परसेंट है? तो 7% है। कितना है? 7% है। आगे चलते हैं। अप्रैल से दिसंबर
अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? एक सेकेंड, चलिए सही है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? ठीक है, 332.8 बिलियन डॉलर, 422.5 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन डॉलर या 613.1 बिलियन डॉलर? तो कितना रहा है? 332.8 बिलियन डॉलर, ये भारत का क्या रहा है? व्यापार निर्यात रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अमेरिकी डॉलर की बात की जा रही है यहाँ पे। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? ठीक है, कितना रहा? तो 332.8 बिलियन डॉलर का, 422.5 बिलियन डॉलर का, 551.7 बिलियन डॉलर का या 613.1 बिलियन डॉलर का? तो कितना रहा? 551.7 बिलियन डॉलर का क्या रहा? हमारा व्यापार आयात रहा। ठीक है, अब व्यापार संतुलन कैसा है आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसके पहले का भी आपने देखा और अभी का भी क्वेश्चन देखा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती को अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दुनिया में सबसे पहले जैविक खेती अपनाने वाला पहला, दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? न्यूयॉर्क, सिक्किम, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? तो कौन है? सिक्किम है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? ठीक है, 2021 से 20 भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? 35 करोड़, 37 करोड़, 41 करोड़ या 45 करोड़? तो कितने लोग हैं? 41 करोड़ लोग भारत के गरीबी से बाहर आए हैं 2005-6 से लेकर के 2020-21 के बीच। ठीक, 2020-21 के बीच। चलिए आगे चलते हैं। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिसने की जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ? ठीक है, तो वी अनंत नागेश्वरन, संजीव सान्याल, टी सोमनाथन, निर्मला सीतारमण जी। तो वी अनंत नागेश्वरन क्या है? हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार ये हैं वी अनंत नागेश्वरन जी, और इन्हीं के देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ। आर्थिक समीक्षा किसने प्रस्तुत किया? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? IMF के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा या एशियन डेवलपमेंट बैंक या ADB के द्वारा? किसके द्वारा? तो IMF के द्वारा। किसके द्वारा? IMF के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष एक ही है, क्या है? 2070, 2060, 2050 या 2045? तो क्या है योर लक्ष्य? वो वर्ष है 2050 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवन शैली, शिक्षा के लिए जीवन शैली, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ऊर्जा के लिए जीवन शैली? ठीक है, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो रेट दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की? पूरे वर्ष भर में कितने आधार अंकों की वृद्धि करी गई है पॉलिसी रेपो रेट में? ठीक है, तो कुल रेपो रेट में 125, 225, 325 या 425? तो 225 की वृद्धि की गई है रेपो रेट में, इतने अंकों की वृद्धि करी गई, बेस रेट की वृद्धि करी गई है। चलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि का पर विचार करें। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित वृद्धि दर दिया हुआ है, और हमको उस पर क्या करना है, उसे सुमेलित करना है, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है,
कृषि 3.5% की वृद्धि सही है, उद्योग में 4.1% की वृद्धि हुई सही है, सेवा क्षेत्र में 8.1% की वृद्धि नहीं हुई या गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही है? एक, केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो और तीन। तो एक और दो इसमें सही है, ऑप्शन सी क्या है इसमें सही है, केवल एक और दो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, सही है। ठीक है, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, नहीं, ये गलत है। इस हिसाब से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है, केवल एक। कौन सा? केवल एक। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? ठीक है, किस वर्ष तक? 2070 तक, 2047 तक, 2030 तक या 2050 तक? तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी 2047 तक। क्या? ऑप्शन बी 2047 तक। आगे देखते हैं। अगला है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम, क्या जैम, ठीक, का पूर्ण रूप क्या है? जन धन आधार मोबाइल, जन धन खाता मोबाइल, जन धन खाता संदेश या आधार जनता आधार मोबाइल। ठीक है, तो इसका है जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रा स्फीति दर पे विचार करें। ठीक है, अब हमको इस पे क्या करना है, देखना है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 6.4% अनुमानित है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति 11.5% अनुमानित है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही है? पहला गलत है, दूसरा सही है। अब देख लेते हैं, केवल एक, ये गलत है, केवल दो, ऑप्शन एक और दो, ऑप्शन बी इसका सही है। अच्छा, तीन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो गया, थोक मूल्य सूचकांक हो गया, ठीक है, एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है, और तीनों में क्या अंतर है आप ये भी देख लेंगे। ठीक है, तीनों मुद्रा स्फीति मापने के काम में ही आती है, लेकिन क्या क्या थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंसेस है ये आप देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? नवंबर 2022 तक 117 करोड़, 115 करोड़, 113 करोड़ या 111 करोड़? तो 117 करोड़ लोग टेलीफोन उपभोक्ता थे भारत के। ठीक है, कब तक? नवंबर 2022 तक। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा है? कितना प्रतिशत बढ़ा है? 3%, 3.5%, 3.7% और या -3.5%? ठीक है, तो 3.7% ऑप्शन सी इसका सही है। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? ठीक है, तो 2.1%, 2.5%, 2.6% या 3.5%? तो 2.1% रहा। कब तक 2.5% करना है? कब तक करना है? तो 2025, 2.5 है इसी को आप 25 समझिए, 2025 तक इसको 2.5% करना है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या इनमें कोई वृद्धि नहीं हुई? तो कितना गुना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा है। कितना? 4 गुना बढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उपक्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो ठीक है, कितने उपक्षेत्र हैं? कुल 27 क्षेत्र हैं और कुल कितने उपक्षेत्र हैं? 15, 12, 24 या 27? तो कुल 24 उपक्षेत्र हैं। कितने हैं? 24 उपक्षेत्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाया गया? कौन सा नया मंत्रालय लाया गया है सहकार से समृद्धि के लिए? सहकारिता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, ठीक,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तो कौन लाया गया है? सहकार से समृद्धि के लिए सहकारिता मंत्रालय लाया गया है, ऑप्शन ए सही है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। चलिए कौन है मंत्री? तो श्री अमित शाह जी हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? 1. कितना करोड़ था, ठीक है, औसत जीएसटी संग्रह, तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई 2015 से लेकर 2021 के बीच? 50% की, 150% की, 200% की, या 400% की? तो इसमें 200% की वृद्धि दर्ज हुई, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये जो इकोनॉमिक सर्वे से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के सामने आते थे हमने उनको देखा, बहुत तेजी से देखा, क्योंकि और भी मतलब आपके पास भी समय नहीं है, इसलिए कम समय में अधिक से अधिक आप रिवाइज कर सके, इसके द्वारा हमारा यही उद्देश्य था, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।